हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। कॉमर्स की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप कॉन्वोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉन्वोकेशन में एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि आपको हमारे चैनल पे, हमारा जो यूट्यूब का चैनल है, वहां पे आपको वीडियोज मिल जाएंगी जहाँ पे आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, आपको गूगल क्रोम में जाना है और टाइप करना है कॉमर्स की पाठशाला। आप जैसे ही कॉमर्स की पाठशाला टाइप करेंगे, हमारा जो वेबसाइट है वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा वेबसाइट, माफी चाहूंगा, मैं पहले आपको यूट्यूब के बारे में बता दूं। तो ये देखो, ये हमारा यूट्यूब चैनल है ना, ये हमारा यूट्यूब चैनल के वीडियोज हैं। अगर आप इस नाम के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे हमारे चैनल दिख जाएंगे जहाँ पे आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। देखो, एमकॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, आईबीओ 1 में 30, आईबीओ 2 में 28, इस तरीके से आईबीओ 5 और फिर एमसीओ 5 तक बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आप ला पाएंगे। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे वीडियोज देखना उनको टाइम लगता है काफी ज्यादा, उनको टाइम नहीं मिल पाता वीडियो देखने का, अगर वो वेबसाइट सर्फ करते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के भी स्टडी कर सकते हैं। आपको हमारे वेबसाइट पे टाइप करना है commerceepaathshala.blogspot.com, तो हमारा ये जो वेबसाइट है आपको निकल के आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा होम, अबाउट सेक्शन, इग्नू एमकॉम वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। आपको सिंपली आना है इग्नू एमकॉम वाले टैब में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। नीचे की तरफ आप जाएंगे, आपको पूरा का पूरा कोर्सेज जो है वो निकल के आ जाएगा। देखो, आईबीओ 1 से लेकर के आईबीओ 6, एमसीओ 1 से लेकर के एमसीओ 7, आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है उसके नाम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आ जाएंगे। क्वेश्चंस के नीचे देखो आंसर क्लिक हेयर लिखा हुआ है, क्लिक हेयर के ऊपर आप क्लिक करोगे आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन के साथ आंसर आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाने वाला है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से स्टडी कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि इग्नू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर जो कि अभी अपलोडेड नहीं है, आपको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा होगा, ये भी मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, जिसको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे। क्योंकि यहाँ पे आपको सारे यूनिट के सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने होंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही रीड करना होगा। तो ये प्रोजेक्ट भी हमारा चल रहा है एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई एम वेरी श्योर कि मैं इसको अपलोड कर दूंगा ताकि आप आसानी से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सको। ठीक है ना, तो ये हमारी बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं इग्नू के बारे में जो हम बात कर रहे थे। नीचे की तरफ आप जैसे ही आओगे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर 35th कॉन्वोकेशन, ये लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया गया है। तो ये किनके लिए है, ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा। कॉन्वोकेशन क्या होता है ये भी मैं आपको बताना चलूंगा साथ ही साथ, तो आइए देख लेते हैं। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर 35th कॉन्वोकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एक वेब पेज देखो खुल गया है, इस वेब पेज में आपको सारी जानकारी लिखी हुई है कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको कितने रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्वोकेशन। ये कॉन्वोकेशन जो है देखो दो मोड में हो सकता है, या तो फिजिकल मोड में हो, आपका रीजनल सेंटर में होगा, या फिर तो हो सकता है कि इसको वर्चुअल मोड में कराया जाए और जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको आपके घर पे सेंड कर दिए जाए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 35th convocation of the university is likely to be held in the month of March-April, March या फिर April के महीने में होगा 2022 में। The students completed their program of study December 2020 and June 2021. Term and examinations are eligible for award of original certificates at this convocation. तो इस convocation में सिर्फ वही बच्चे participate कर पाएंगे या हिस्सा ले पाएंगे जिन्होंने अपना course December 2020 या फिर June 2021 को complete करा है। है ना, इस लाइन में देखो आपको ये पॉइंट जो है मिलेगा। ठीक ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप पहले अगर आपने पास करा है तो आप अभी रजिस्टर कर सकते हो, आप मत करना, आपको प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है कि आप रीजनल सेंटर वहां पे विजिट करो, वो लोग आपको बोलेंगे कि डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए आपके हर एक सर्टिफिकेट के लिए, और फिर वो आप पैसे आपको वहां जमा करा दे रहे हैं और आपको अपना सर्टिफिकेट ले लेना है। ठीक है, बट जो बच्चे दिसंबर 2020 और जून 2021 में पास हुए हैं उनके लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि आप इस वेबसाइट पे आओ, खुद को रजिस्टर करो, पैसे पेमेंट करो और कॉन्वोकेशन में हिस्सा ले लो। ठीक है ना, सिंपल सा प्रोसेस है।
यहाँ पे देखो, इन केस द कॉन्वोकेशन इज हेल्ड इन कॉन्वेंशनल मोड, अगर कन्वेंशनल मोड में होता है तो द स्टूडेंट्स विल हैव टू अटेंड द कॉन्वोकेशन एंड कलेक्ट द सर्टिफिकेट्स टू हिज रीजनल सेंटर वेयर द स्टूडेंट्स बिलोंग्स, है ना। अगर सपोज मैं वेस्ट बंगाल में हूँ और मेरा कॉन्वोकेशन डेफिनेटली कोलकाता में होगा, और अगर मुझे कन्वेंशनल मोड में होता है, फिजिकल मोड में अगर होता है, कोरोना में भी हो सकता है अगर कम जाए तो मे बी इसको फिजिकल मोड में कराया जाए, कन्वेंशनल मोड में कराया, तो इन दैट केस आई विल हैव टू विजिट माय रीजनल सेंटर टू कलेक्ट माय सर्टिफिकेट, है ना, टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्वोकेशन, है ना। लेकिन अगर वर्चुअल मोड में होता है तो जो भी डिग्री सर्टिफिकेट होगा विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स बाय पोस्ट, उनको बाय पोस्ट उनके घर पे सेंड कर दिया जाएगा। तो यही छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। तो यही छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप चाहो तो इसको पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। नीचे की तरफ आओ, इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप खुद को रजिस्टर करो तो उसके पहले जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला होता है, प्लीज रजिस्टर बिलो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर 35th कॉन्वोकेशन। एलिजिबल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ फॉर ऑब्टेनिंग द डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स एंड पे द रिक्विजिट फी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। आपको पेमेंट जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड में करना है। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो लोग पहले पास किए हुए हैं, है ना। पीजी, एमफिल, पीएचडी, एमफिल, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री जो कोर्सेज हैं, इनके लिए आपको ₹600 का जो है आपको पेमेंट करना है पर सर्टिफिकेट। जैसे कि एमकॉम में आपके 2 साल होते हैं तो 2 साल में 2 सर्टिफिकेट मिलता है, एक आईपीओ का, दूसरा एमकॉम का। तो उसके लिए आपको टोटल ₹1200 पेमेंट करेंगे, ₹600 के 2 पेमेंट आपको यहाँ पे करने होंगे जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको दिखेगा। साथ ही साथ अगर आपको पीजी सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम अगर आप कर रहे थे तो उसके लिए सिर्फ आपको ₹200 ही पेमेंट करने होंगे, है ना। जो रिक्विजिट फी है वो आपको पेमेंट करने हैं बाय डेबिट बैंकिंग और क्रेडिट बैंकिंग, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तीसरे नंबर पॉइंट में, क्लिक हेयर टू प्रिंट द एक्नोलॉजमेंट। क्लिक हेयर, आप एक्नोलॉजमेंट पक्का अपना डाउनलोड कर लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो 48 घंटे के भीतर जो है आपको आ जाएगा कॉन्वोकेशन, मतलब जो एक्नोलॉजमेंट है वो उसका रिसीट आपको निकाल लेना है। अगर आपको नहीं आता है तो 48 घंटे के बाद चेक करो, आपको मिल जाएगा, आपको ये रिसीट निकाल करके अपने पास रख लेना है। फॉर एनी डिस्क्रिपेंसी, अगर सपोज आपने ऑनलाइन फिलअप करते हुए कुछ गलतियां आपने कर ली है तो इन दैट केस आपको मेल करना है convocation_fee_query@ignu.ac.in, या फिर आप उस नंबर पे फोन भी कर सकते हो 0112957209, है ना। फॉर जनरल क्वेरी, किसी भी तरह की जनरल क्वेरी अगर आपके मन में है तो आप convocation@ignu.ac.in पे मेल करके आप सारी जानकारियां ले सकते हो, ठीक है। नीचे देखो, पीएस लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स ऑफ एमबीए, एमसीए, एमकॉम, बीटीसीएम, बीएनएस आर रिक्वायर्ड टू रेमिट रजिस्ट्रेशन फी ₹600 पर सर्टिफिकेट। देखो, 600 पर सर्टिफिकेट, है ना। तो आपके 2 सर्टिफिकेट के लिए आपको ₹1200। स्टूडेंट्स विल हैव टू टेक ऑल द सर्टिफिकेट्स इफ दे हैव क्वालिफाइड फॉर मोर देन 1 मॉड्यूल ऑफ द प्रोग्राम पेइंग ₹600 ईच, जैसा कि मैं कह रहा था, है ना। तो ये इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिया। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन करना है कि जो भी आप जानकारी डालोगे वो सही रहेंगे। इसको डिक्लेरेशन करने के बाद आई एग्री एंड प्रोसीड, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड जो नीचे में दिया हुआ है 606901, आपके लैपटॉप में अलग होगा, इसको आपको डाल करके यहाँ पे लॉग इन कर लेना है, ठीक है। आप जैसे ही लॉग इन करेंगे एक वेब पेज खुलेगा जहाँ पे आपको अपने पेमेंट को करना है। पेमेंट करने के बाद आपको एक इनविटेशन मेल आएगा जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कब ये होने वाला है, ठीक है। सिंपली आपको उसमें अटेंड करना है और अटेंड करने के बाद अपने सर्टिफिकेट्स को आपने कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो, और हाँ, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल किसी तरह के ऑसम कंटेंट्स के लिए। साथ ही साथ जो बच्चे एमकॉम के एग्जाम देने वाले हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, प्लेलिस्ट में विजिट करो, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं। साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, ये हमारा वेबसाइट है जहाँ पे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जिनको देख करके आप बहुत ही आसानी से एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आप ला पाओगे, है ना। ये देखो इस तरीके से ये आंसर सारे के सारे अवेलेबल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखिए, तब तक बाय बाय, थैंक यू।